अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर लाइव विद राशिद खान, नंबर वन बॉलर ऑफ T20 और कलंदर हो चुके हैं, दिल से कलंदर हो चुके हैं। बात करते हैं राशिद खान से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको मेरा सलाम, जितने भी लाहौर कलंदर के क्रिकेट के फैंस हैं सबको मेरा सलाम। एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ पहले मैच के लिए लाहौर कलंदर से खेलने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अच्छा खेले और फैंस को एंटरटेन करें। तो आप ये बताइए कि कब से फॉलो कर रहे हैं आप लाहौर कलंदर्स को, ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी, मैचेस में, कैसी लगी आपको टीम पहले सीज़न से लेके अब तक? लाहौर ने कितने वंडर्स किए? डेफिनेटली पहले ही सीज़न से देख रहे हैं लाहौर कलंदर को, जितने फैंस लाहौर कलंदर ने गेन किए मेरे हिसाब से, मतलब यू गाइस हैड यू नो अ वेरी टफ फर्स्ट 3-4 ईयर्स, बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी जो फैंस लव था और जो फैंस सपोर्ट कर रहे थे, आई थिंक दैट्स द ओनली टीम गेट्स मोर सपोर्ट एंड मोर लव एंड मोर पीपल वॉच दिस देयर गेम। सो आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच टीम, यू नो, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर वेल फॉर द टीम। तो अब मुझे बताइए, अभी मैंने देखा आप माज खान के साथ उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, यंगस्टर हैं, माज खान की बॉलिंग आपको पिछले सीज़न में कैसी लगी और अभी उनमें आपने क्या तब्दीली देखी, कितनी ग्रूमिंग कर चुकी हैं और कितनी ज़रूरत है उन्हें? ही इज़ वेरी गुड, अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा है, मतलब जो चाह रहा है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी टाइम मैं यहाँ पे होऊंगा उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बॉलिंग स्किल ही इज़ वेरी गुड, स्किल्स है उसके साथ, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होती ना, जो कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आपको मिलता है PSL की इन लीग्स का, यही एडवांटेज होता है कि यंगस्टर आते हैं और जो सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हैं तो सिर्फ उनका आइडिया लेता है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस उसको मिलती है, वही जाके उस पर काम करता है। तो ही इज़ वेरी गुड बॉलर एंड ही हैज़ अ गुड पेस, जो जो एक स्पिनर को चाहिए होती है, ही हैज़ अ गुड कंट्रोल, तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं उस पर काम करेंगे और आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड टैलेंट इन अपकमिंग गेम्स। फैंस जानना चाह रहे हैं लाइव में, अभी आपकी हमारी पहली बात हो रही है, HPC के बारे में आप क्या कहेंगे, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर? दैट्स अ बेस्ट थिंकिंग, बहुत एक ज़बरदस्त सोच है, क्योंकि वहाँ से यंगस्टर आते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पर खेले और ख़ुद को दिखाए, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खेल के आप लोगों की नज़र होती है, उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आके ऐसे बड़ी लीग में PSL में अपनी कलंदर की रिप्रेजेंट करे, तो फिर उसको चांस मिलता है कि इंटरनेशनल स्टार के साथ मिले, तो उनके लिए एक बहुत इजी चांस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि उसको तो मतलब हाई नेशनल लेवल पे वो जो गेम्स होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसमें सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ये हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर होता है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि आप जाके जहाँ से भी हो, जहाँ के भी हो, जो भी हो, मतलब दैट डजंट मैटर, अगर आप में टैलेंट है तो आके आपको खुद को दिखा सकते हैं और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू गाइस, यू नो, फॉर हैविंग सच अ सेंटर टू हैव ऑल द फैसिलिटीज फॉर देम एंड दे कैन इंप्रूव देयर क्रिकेट। थैंक यू राशिद भाई। अभी अजान हो रही है, मैं अजान के तमाम में ब्रेक लेता हूँ, कुछ सवाल हैं वो हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे आपके साथ, सिर्फ सवाल होंगे आपके फैंस के और आप उसका जवाब देंगे, और अब हम मैच की तरफ चलते हैं जी, और फाइनली आप मैच एंजॉय कीजिए और जैसी अजान कंप्लीट होती है तो हम आएंगे राशिद साहब के साथ।
जी वेलकम बैक गाइस, अजान के एहतराम में हमने ब्रेक ली और अब हम कंटिन्यू करते हैं आपके क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 182 का टारगेट है, प्रैक्टिस मैच चल रहा है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ और ये यादें नहीं भूल सकते कि मुल्तान को ही हरा कर लाहौर कलंदर फाइनल तक पहुंची थी लास्ट सीजन में। और आपके हमने बयान सुने, आप काफ़ी एक्साइटेड हैं टीम में आकर और आप चाह रहे हैं कि आपके दिल की ख्वाहिश है कि कलंदर इस दफ़ा ट्रॉफी जीत कर लाहौर वालों को खुश करें, तो क्या मैसेज है इसके बारे में? और बाकी आप कमेंट्स कीजिए, जितनी टाइम में आपके कमेंट्स आएंगे जो अच्छा अच्छा सवाल होगा वो मैं राशिद खान के सामने लाऊंगा और उनका जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, लास्ट टाइम फाइनल में हारे थे, इट्स अ बिग यू नो टूर्नामेंट फॉर देम, लाइक अ काइंड ऑफ बूस्ट अप एंड वो जो कॉन्फिडेंस लास्ट टूर्नामेंट से मिली है, डेफिनेटली मोरल ऑफ द टीम इज़ वेरी हाई एंड एक अच्छी चीज़ है कि हम में सारे स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है और जो आपको एज ए T20 में चाहिए। जैसे आप देखो ऑफ टॉप ऑर्डर में आपके साथ फ़खर जमान है और हफीज़ भाई है, तो उसके साथ डेविड वीसा है, सारे ऐसे नाम है कि शाहीन शाह बॉलिंग में, आरिस रऊफ है, मैं हूँ, तो इट्स द बेस्ट कम्बिनेशन लाइक यू नो एंड दैट्स वॉट एज अ टीम यू वॉन्ट यू नो टू हैव द पेस, यू हैव द वेरिएशन, यू हैव अ गुड स्पिन डिपार्टमेंट, यू हैव बेस्ट ऑलराउंडर लाइक यू नो समित पटेल, यू हैव लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो सारे स्किल्स है, सारे वो जो जगह पूरे है, लेकिन सिर्फ ये है कि खुद को यूटिलाइज करना है ग्राउंड में और जो 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 कॉन्फिडेंस से खेलना है, जो कॉन्फिडेंस लास्ट सीजन से मिला है उसी को इसे बरकरार रख के अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब आपके सवाल जो फैंस और आप, मैं भी बिल्कुल जो सवाल पूछने थे मैंने पूछ लिए, अब आप देखें कैसा सवाल करते हैं आप, वो आप पूछें राशिद से। सो मेहराब खान कह रहे हैं जी वेलकम राशिद खान, आपको वेलकम किया गया जी मेहराब खान की तरफ से। थैंक यू सो मच मेहराब खान एंड आई हैव रिसीव बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं सोशल मीडिया के जरिए से वेलकम के लिए, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया एंड एंड आई होप इंशाल्लाह कि आई डू वेल फॉर द टीम एंड क्राउड को, फैंस को एंटरटेन करें। एक बड़ा क्यूट सवाल आया आपके लिए, वो कहते हैं मोहम्मद इरफान अली कहते हैं राशिद भाई आप उर्दू बोल लेते हैं, तो ये अभी क्या बोल? जी उर्दू तो बोल लेते हैं, अभी बात भी उर्दू में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बोल लेता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ क्यूट सवाल आया आपका। जी बिल्कुल बोल लेते हैं उर्दू तो, हाँ हाँ समझ आती है, वो बोल भी लेते हैं। अच्छा जी अहमद मलिक कहते हैं राशिद खान से पूछिए इंस्पिरेशन बिहाइंड हिज विकेट सेलिब्रेशन, आपकी इंस्पिरेशन क्या है विकेट सेलिब्रेशन के पीछे? ये मैं पहले ज़्यादा किया नहीं था, एक मैच में मैंने चार विकेट लिए चार गेंदों पे अगेंस्ट आयरलैंड, तो ये सेलिब्रेशन खुद ब खुद हो गया, जब चौथी विकेट ले ली तो मेरा ये सेलिब्रेशन हो गया। जब बाद में आया तो मेरा एक नेफ्यू है इरफान, उसने मुझे बताया कि दिस सेलिब्रेशन रियली सूट्स यू एंड यू हैव टू कीप कंटिन्यू दिस, तो वही था कि मैंने कहा कि ठीक है उसके बाद मैं यही सेलिब्रेशन करूंगा और यही उसके पीछे राज है कि मैं अभी वही सेलिब्रेशन करता हूं। यही सेलिब्रेशन करते ना, इसी तरह फॉर्म में रहिए, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, दुनिया खुश है आपको देखकर। एक सवाल और आया जी आपके लिए, तैयब ताहिरी कहते हैं कमिंग पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एंड प्लेइंग फॉर लाहौर, हाउ डू यू फील ब्रो? फील वेरी गुड, एक्साइटेड यू नो the games, I can't wait for the game to be started and definitely you know my first experience being here and playing in the PSL, so definitely ek acha experience hoga ek aisi team ke sath hai ke all the skills hai, experience hai aur bade players hai, to unke sath ikatta hoke mere hisab se ek mere liye mere cricket knowledge ke liye a kind of boost up hoga, और न्यू एडिशन होगी एक्सपीरियंस का, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अच्छा खेले और जो एक्सपीरियंस मैंने सारी लीग से लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया है, उसको यहाँ पे की कंटिन्यू करूँ। तो कितना इंस्पायर हैं आप, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाहौर कलंदर का था उसमें 5-6 सालों में 5 लाख से ज़्यादा यंगस्टर्स का ट्रायल करना, आप भी जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी आप अपने आप को रिलेट करें उस फेज के साथ, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इसको आप समझते हुए अफगानिस्तान में भी टैलेंट के लिए इसी तरह ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं या होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? एग्जैक्टली ऐसी एक्टिविटी अगर आप 5-6 लाख लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म देते हो कि वो आके ख़ुद को थोड़ा एक्सप्रेस करे और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि उसका ट्रायल लिया जाए, मेरे हिसाब से 100 लोगों का ट्रायल लेना भी बहुत टफ है, 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय यू गाइस एंड डेफिनेटली अभी हमारे कंट्री अफगानिस्तान में भी वो शुरू हुआ है ट्रायल लेना, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि हर सिटी पे हर 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 शहर पे ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे उनकी सही टैलेंट को इम्प्रूव करे, उस पर काम किया जाए, वो अकेडमीज़ नहीं है, तो इसलिए ऐसे टैलेंट्स जो सेंटर होते हैं
बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ से बहुत से स्किल्स आते हैं। हमें पता है कि ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होती है, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं जाके ख़ुद को थोड़ा एक्सप्रेस करूँ। अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और होपफुली कि फ्यूचर में ऐसा ही है, वहाँ पे भी बड़े बड़े सेंटर खुल जाए जहाँ पे टैलेंट को लाया जाए, ट्रायल चले और उनकी क्रिकेट इम्प्रूव हो जाए। तो आप प्राउड फील करते होंगे, आप पहले नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे मुजीब हैं और ऑलराउंडर की बात करें तो नबी पहले नंबर पे नज़र आते हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं सारे प्लेयर्स को देखते हुए जो आपके साथ ही ग्रो करते हुए इधर तक पहुँचे। एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज़ है कि अफगानिस्तान से आके आप टॉप पे रहना, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर मी, यू नो, कि उस जगह से आना, फिर परफॉर्मेंस करना, उसको कीप कंटिन्यू रखना, यू नो, एक जगह एक मकाम तक पहुंचना आसान है लेकिन वहाँ पे खुद को मेंटेन रखना बहुत टफ होता है और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करनी होगी। तो मेरा यही मेरा टारगेट भी था कि यार मैं अगर इस जगह पहुँचाऊँ तो अभी मैंने ये जो इमेज ली है इसको मैंने कंटिन्यू रखना है, इसको 1 साल 2 साल के लिए, कि मैं फिर लोग कहे कि अभी डाउन हो गया, ख़राब हो गए, बोले नहीं। कोशिश ये करता हूँ कि दिन ब दिन खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ और सारे स्किल जो है, बैटिंग स्किल, बॉलिंग, फील्डिंग, उस पर काम करो, तो खुशी होती है कि अपनी कंट्री के लोग, मुझी जो है ना टॉप 3 में है मेरे साथ, नबी ऑलराउंडर्स में है, तो इट्स गुड फीलिंग फॉर द कंट्री। 2 पे थे, शमसी ने अच्छी बॉलिंग की तो वो दूसरे पे आ गए, तीसरे पे वो चले गए, मुजीब तो आगे भी चाहिए आप। हाँ, बस ये तो होता रहता है आगे पीछे, एज लॉन्ग यू आर इन टॉप 5 आप खुश होते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप, मैं हमेशा जो रैंकिंग है वो उसको माइंड से निकालता हूँ, जो भी मेरा रैंकिंग होगा, आई एम नॉट टू मच थिंकिंग अबाउट दैट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि जब मेरा गेम होता है तो उस दिन मैं टीम के लिए क्या करता हूँ, यही मेरा मैं काउंट करता हूँ। अगर मैं नंबर 1 हूँ, टीम को मैच नहीं जीत सकता, तो मेरा नंबर 1 होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ टॉप 10 में हूँ, टॉप 20 में हूँ, 30 में हूँ, जिस दिन भी मैच हो टीम के लिए अच्छा खेलो और मैच जिताऊँ। क्या बेहतरीन इंटरव्यू दिया आपने और यही सुनना चाह रहे थे यंगस्टर, इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। कंक्लूड करेंगे इस इंटरव्यू को, लेकिन लास्ट एक सवाल, कलंदर्स में आपका सबसे फेवरेट कौन है और पाकिस्तान टीम में आपका फेवरेट कौन है? बहुत ज़्यादा फेवरेट है कलंदर्स में, तो एक साथ शाहीन शाह के साथ तो पहले नहीं खेला हुआ, दोस्त है अपना, पठान भाई है, तो फ़खर जमान है, वो डेविड वीसा है, हम 3 साल जो है ना एक साथ ही खेले है सस्सेक्स में। तो पाकिस्तान टीम में भी अहमद वसीम है, सोहेल तनवीर है, अच्छे दोस्त है, शादाब है, और या दे आर गुड फ्रेंड्स इन, बाबर आजम है, तो जो हम साथ ही खेले थे 2017 में CPL में साथ ही खेले थे, तो अच्छी खासी दोस्ती है उनके साथ। और खुशी है कि आपके उनके साथ मिले, काफ़ी टाइम बाद मिले, 2 साल बाद वर्ल्ड कप में मिले थे, तो खुशी अभी मिला भी उन लड़कों के साथ। तो सब बेस्ट चीज़ यही है कि सब एक ही होटल में है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे कि एक दूसरे के रूम में जाए, वहाँ बैठ के गपशप लगाए, और अपना जो एक्सपीरियंस है, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर के लिए कि वो वहाँ पे जाके शेयर करे और आपके नॉलेज में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हैं। सो कराची में क्या खाएंगे, ये इस पर ही कंप्लीट करते हैं खाने की बात, क्योंकि अब इतना खेल लिया तो भूख तो लगी हुई। कराची का फेवरेट फूड बताएं, लाहौर का क्या इधर ट्राई करना चाहेंगे और लाहौर में क्या खाना चाहेंगे? यार कराची में तो अभी अलाउड नहीं है बाहर से कुछ खाना, मेरे अगर बाहर से थोड़ा अलाउड होता तो काफ़ी मज़ा आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अफगान्स है और काफ़ी मैसेजेस आ रहे, दोस्त भी हैं मेरे, कह रहे कि हमने आपके लिए घर का खाना बनाया है और हम आप चाह रहे हैं कि हम आपको बेच दें, इवन पूरी टीम के लिए हम बेच सकते हैं, आप सिर्फ कहो कि यार अलाउड है, तो वो थोड़ा टफ होगा। बाकी लाहौर में मैंने जब 19 अंडर 19 का टूर था हमारा पाकिस्तान के साथ NCM में हमारे गेम्स थे, तो वहाँ का एक फिश है मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ का अभी मुझे ये नाम याद नहीं है, वहाँ पे मैंने खाया था उस दिन, तो यही मेरे माइंड में है कि अगर अलाउड ना भी होना तो मैं जाके वो ज़रूर खा लूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे आपको भी खिला सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो हमारे साथ राशिद खान, और इतना डिटेल इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए, और आप भी इंस्पायर हुए होंगे, मास खान इंस्पायर हुए, उनकी बॉलिंग भी हम साथ साथ देख रहे थे। बाकी जो देखने वाले यंगस्टर हैं, जो बनना चाह रहे हैं क्रिकेट में, बहुत बड़ा नाम बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। सो मिलेंगे अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में और अपडेट देंगे स्कोर की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलेंगे और मैं आपको दूंगा स्कोर अपडेट। थैंक यू।